बेटी गवाही देना चाहिए। सुनी बात, मेडिकल कहता है जब तक आपको खाते वक्त पसीना ना आए, समझो कि वो चीज आपको हजम नहीं हो रही और ना आपको उससे ताकत मिल रही है, जब तक आपको पसीना ना आए। और मैं कहना जिंदे तुम भावे सर्दियां हो, दिसंबर का महीना है, प्रस्तिश करते हैं तुम पसीना आ रहा है, समझोगे तुम आपको पसीना आना चाहिए। कई लोग इन तालियां चे के दूजिया वेखी भाई, आपके हाथ हाथ पे हाथ रखने के लिए नहीं दीजिए, आपको तोड़ दो इनको खुदा के लिए। जी गवाही देना चाहिए बेटी। मुझे रात को बहुत बुखार था और मैं सोच रही थी शायद आज मैं चर्च भी नहीं जा पाऊंगी, और हम लोग लेट आए चर्च इसी वजह से कि थोड़ी तबीयत बेहतर हो जाए। और जब आप मैसेज दे रहे थे तब में मुझे बहुत ज़्यादा बुखार था, मैंने तंजीला को हाथ लगाया, मैंने कहा देखो मुझे काफ़ी फीवर ज़्यादा हो रहा है, और जैसे मैं सोच रही थी कि आज मैं खड़ी होकर प्रस्तिश नहीं करूँगी बैठ के करूँगी, तो जैसे आपने कहा कि हम सारे मिलकर प्रस्तिश करेंगे तो मैंने अपने हाथों को भी इस्तेमाल किया और खड़ी होकर प्रस्तिश की। मैं महसूस कर रही हूँ कि अब मुझे कोई बुखार नहीं है। आपका खुदा बहुत बड़ा है। इस तरह करे वो आप लाभ नहीं सकते उसे। मेरी तरफ से सबको सलाम। पिछले संडे को बरपाल जठा में मीटिंग की, माइक थोड़ा नजदीक कर ले। उधर खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया, मुझे अंदरूनी प्रॉब्लम थी बहुत, तो खुदा ने खत्म कर दी, डेड कर दिया। हाथ को उठाएंगे, मेरी वाइफ मेरे साथ आज स्टेज पर प्रे करेंगे म्यूजिक के बगैर।